राजेश जी, देखिए बात बिहार विधानसभा से और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से बड़ी दिखती है। क्या ये न माने कि 2024 की भी तैयारी है यहाँ पर यूपीए की, और नीतीश कुमार को यूपीए में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? जो बहुत तरह की सुर्खियां हैं सोशल मीडिया पर, बहुत तरह का विश्लेषण है। एक विश्लेषण यह भी कहता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए इस सरकार की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी आते ही वो सीएम पद छोड़ेंगे और फिर यूपीए के लिए सेंटर की पॉलिटिक्स करेंगे। आप कितना मौजू मानते हैं इसको? देखिए, ये बहुत मौजू बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी बिजली की गति से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम एकदम तेजी से बदला है, उतनी तेजी से पर्दे के पीछे नहीं बदला है। पर्दे के पीछे इसकी बहुत सारी तैयारियां हुई थी। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जब आरसीपी सिंह को राज्यसभा की मेंबरशिप का रीनोमिनेट नहीं किया गया, उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार भांप गए हैं कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे का जो काम था वो एकनाथ शिंदे का काम यहाँ कर सकते थे, ऐसा उनको भान हुआ। इसमें कितनी सच्चाई है या कितना वो है वो हम लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं। इसीलिए उन्होंने उनके लिए आरसीपी सिंह के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और जब उन्होंने आरसीपी सिंह को रोक दिया, इसके बाद उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। वो बिल्कुल ये एकदम तय था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनका गठबंधन नहीं चलेगा। अब जो है, जो आप यूपीए की बात कर रहे हैं, ओवरनाइट चीजें बदल तो रही हैं बिहार में, लेकिन यूपीए तो अभी भी डिफंक्ट है भाई साहब। अभी भी कांग्रेस जो है बहुत कमजोर पार्टी है, अभी भी विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, अभी भी ममता बनर्जी अपना घर जो है दुरुस्त करने में लगी हुई है, अपनी क्रेडिबिलिटी वापस रिटेन करने में लगी हुई है। तो वो कौन सी यूपीए में और क्या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कांग्रेस उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देगी? अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, वो लोग जो इतने साल तक यूपीए के साथ रहे, वो अच्छा, ये नीतीश कुमार जो है कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और एनडीए में थे, और आज ये नहीं। राजेश जी, इसको एक और तरीके से मैं देखता हूं, इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे है। सवाल यह है कि जो ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या स्टेबिलिटी आने पर तेजस्वी यादव के हाथों में कमान सौंपकर वो सेंट्रिक पॉलिटिक्स करेंगे, क्या ऐसा होता आप मुमकिन देख भी पा रहे हैं? क्योंकि ये वही तेजस्वी यादव, ये वही आरजेडी है जिसे नीतीश कुमार जेडीयू अपना मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देखती है, और दोनों की जो पॉलिटिक्स है वो दोनों हम देखते हैं कि इससे पहले भी किस तरह से चलती आई है। तो क्या जिसे अभी तक अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देखती, भले ही अभी गाड़ी में साथ हो, क्या उसके हाथों में राज्य को सौंपकर, सत्ता को सौंपकर सेंट्रल पॉलिटिक्स करेंगे, या फिर जेडीयू को बड़ा करने के बाद कोई और चेहरा भी निकाल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग इतनी राजनीति आप सब लोग देख चुके हैं कि कौन किसके साथ बैठा है उससे कुछ तय नहीं होता है, कौन नेता क्या बयान दे रहा है उसके साथ ये तय नहीं होता है। मैंने खुद बिहार में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, एक ही एयरक्राफ्ट में 3 सीटों में रामविलास पासवान, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव शायद उस वक्त नहीं थे, इन दोनों को साथ बैठ करके वहां जाके देखा, गठबंधन बनाया, लेकिन उसके बाद रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। इससे कुछ तय नहीं होता, लेकिन ये विपक्ष के लिए, अब जो भी विपक्ष है, चाहे उसको यूपीए कहें या नॉन यूपीए विपक्ष की पार्टियां कहें, उनके लिए 2024 का चुनाव। अच्छा राजेश जी, एक और सवाल है। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं, जैसे मंगल पांडे को अभी हमने देखा, बीजेपी नेता, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, एक अब युद्ध, एक लड़ाई छिड़ते नजर आ रही है मैसेज को लेकर कि जनता के बीच में क्या मैसेज दिया जाए। जेडीयू ये बोल रही है कि चाहे चिराग पासवान हो या फिर आरसीपी सिंह हो, उनके जरिए अपमानित करने की, धोखा देने की कोशिश, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती, इसलिए फैसला लिया गया नीतीश कुमार की तरफ से। बीजेपी बोल रही है कि नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है, और जनता के बीच जाएंगे तो जवाब देना होगा। क्या अब ये संदेश की, ये मैसेज की लड़ाई आप छिड़ती हुई देखेंगे अगले चुनाव तक? देखिए, बिल्कुल ये लड़ाई तो बहुत पहले से छिड़ चुकी है, अभी नई नहीं छिड़ी है ये लड़ाई, और आगे बढ़ेगी। जब बिहार का चुनाव भी आना है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले बहुत सारे और चुनाव होंगे, लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन एक चीज को समझना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यनीति है, जो रणनीति है, उसमें वो किसी का भी साथ ले सकती है और किसी को भी अपने किसी दूसरी पार्टी से अपने साथ ला सकती है किसी को भी। पश्चिम बंगाल में उसने ये नहीं, तो फिर राजेश जी एक चीज बताइए, राजेश जी आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, फिर क्या ये माने, चाहे वो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया हो, चाहे कांग्रेस के हैंडल से कहा गया हो कि अच्छे दिन बिहार से शुरू हो गए,